नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का जिक्र लगातार हो रहा है बिहार में। अब के पाठक ने बिहार के शिक्षकों को फाइनल चेतावनी दे दी है। के पाठक यूं तो अक्सर ही निर्देश देते नजर आ रहे हैं, कड़े कड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से नहीं कहिए बल्कि यूं कहिए कि अब फुल एंड फाइनल के पाठक ने अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है और बिहार के शिक्षकों से कह दिया है। वैसे शिक्षक जो बीपीएससी के जरिए चयनित होकर पहुंचे हैं और ऐसे शिक्षकों के बीच जब के पाठक पहुंच रहे हैं तो कई सारी बातें, कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो हम आपको बता भी रहे हैं। लेकिन अब के पाठक ने फुल एंड फाइनल चेतावनी क्या दी है, क्या कुछ कहा है के पाठक ने शिक्षकों से, वो हम आपको बताते हैं। अब के पाठक ने जो बात कही है उसके बाद से शायद ही बिहार का कोई ऐसा शिक्षक होगा जो उनके इस आज्ञा के खिलाफ या यूं कहें कि निर्देश के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। दरअसल के पाठक ने साफ लहजे में कहा है कि आपके अंदर यदि फ्रीडम फाइटर भरा हुआ है, आपके अंदर कोई क्रांतिकारी या कोई कीड़ा जन्म ले रहा है या कीड़ा पनप रहा हो तो उस कीड़े को अंदर ही अंदर मार दीजिए, नहीं तो हम हटा देंगे। अब के पाठक ने किस संदर्भ में ये बातें कही है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल के पाठक ने बिहार के शिक्षकों से साफ कहा है कि आप लोग जो हैं शिक्षक के तौर पर चयनित हुए हैं तो शिक्षा का काम कीजिए, हमें फ्रीडम फाइटर नहीं, हमें शिक्षक चाहिए। ऐसा कोई नहीं चाहिए जो क्रांतिकारी विचारधारा रखता हो, जो संघ बनाने की काम करता हो, जो नेतागिरी इत्यादि में विश्वास रखता हो। ज्यादातर बिहार में शिक्षकों के मामले में अब ये देखा जा रहा है कि जो भी शिक्षक संघ है अपना एक अलग फ्रंट बना लेते हैं, अपना मोर्चा बना लेते हैं और उसी मोर्चे के जरिए सरकार को, विभाग को घेरने का काम होता है। अब के पाठक ने जो बात कही है वो हम आपको बताते हैं। अक्षरशः उन्होंने क्या कहा है, ACS के पाठक ने कहा है कि शिक्षकों के अंदर इनकलाबी कीड़ा है तो अभी हटा दें, नहीं तो हम हटा देंगे। हमें फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि शिक्षक चाहिए। बीपीएससी से हाल ही में चयनित हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग के दौरान के पाठक ने यह बात कही। उन्होंने नए शिक्षकों से कोई भी संघ नहीं बनाने की भी अपील की और नसीहत दी। पहले से ही आपको पता है कि एक महिला शिक्षक पर गाज गिर चुका है इस मामले को लेकर, संघ बनाने को लेकर। और एक बार फिर से के पाठक ने हिदायत दी है, कड़ी चेतावनी दी है। पिछले दिनों कैमूर में भी गए थे, आरा में भी गए थे, बिहिया में भी गए थे और उसके अलावा वो रोहतास जिले के भी कई स्कूलों का दौरा करने पहुंचे थे और इस दौरान भी के पाठक ने कई सारी बातें कही। लेकिन अब के पाठक का साफ कहना है कि यदि कोई इनकलाबी कीड़ा आपके दिमाग में उपज रहा हो, कोई क्रांतिकारी भावना आपके मन में आ रहा हो तो उसे अभी के अभी हटा दीजिए, अन्यथा हम हटा देंगे, घर पे बैठा देंगे। इसके अलावा यह भी कहा है कि हमें फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि हमें शिक्षक चाहिए। वैसे लोग नहीं चाहिए जो शिक्षा को छोड़ करके, बच्चों की पढ़ाई को छोड़ करके सड़क पर उतरने का काम करने लगते हैं। वैसे शिक्षक नहीं चाहिए जो बच्चों के पठन पाठन को बाधित होने का मन में ख्याल भी नहीं आने देते और मोर्चा खोल लेते हैं, संघ बना लेते हैं। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों पर या फिर शैक्षणिक कार्यों पर इसका असर पड़ता है, बाधा पहुंचती है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के पाठक ने जो है तमाम बातें कही है और कहीं ना कहीं जैसा कि हमने आपको लिख के भी बताया है और शुरुआत में भी हमने आपको बताया कि के पाठक ने फाइनल चेतावनी दे डाली है और कह दिया है कि हमें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।